नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीच सलाह यूट्यूब चैनल। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप उसको ज्वाइन करें, और मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो @wifiteach1001 डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये मिल जाएगी, आप इस पर मुझसे बात कर सकते हो। अब बात करते हैं जो पंजाब के अंदर भर्ती आई है, वह सभी राज्यों में जो भर्ती आती है वहाँ पर NTT का कौन सा डिप्लोमा मान्य होता है। और अब बात करते हैं, मेन पॉइंट है पंजाब के अंदर जो मसला चला हुआ है, पंजाब के अंदर जो भर्ती आई है वहाँ पर एक साल का डिप्लोमा हो NTT का या उसके बराबर समकक्ष और दूसरा हो, और या आपके पास 2 साल का डिप्लोमा हो, जो भी हो एक या 2 साल का डिप्लोमा मांगा गया है प्लस टू पास पर वहाँ पर पंजाब के अंदर। और वहाँ पे बहुत से साथियों का असमंजस्य है और मेरे पास बहुत से कॉलिंग भी जो आ रही हैं आपके, उसको देखते हुए मैं बताना चाहूँगा, जो बात बताऊँगा सच ट्रू बताऊँगा, इनके सच बताऊँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बताऊँगा। आपको पता है पैसे से मुझे कोई लगाव नहीं किसी प्रकार का, लेकिन मैं जो आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए वीडियो बनाता हूँ, बस आपसे एक चाहता हूँ वीडियो को लाइक करें, और जितने भी आपके पास ग्रुप है सभी ग्रुपों में वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, बस जो बताऊँगा रिजल्ट ही बताऊँगा। बात करते हैं NTT पंजाब के अंदर कौन सा डिप्लोमा चलेगा, चाहे पूरे YouTube पे सर्च कर लो, कहीं ना बहुत ही कम लोग आपको ये बता पाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपका डिप्लोमा किसी भी बोर्ड से हो या आपका डिप्लोमा UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से हो, बस 2 डिप्लोमाज होते हैं जहाँ से आपका मान्य होगा, अन्यथा कोई डिप्लोमा आपका वहाँ पर मान्य नहीं है। ये पंजाब में नहीं पूरे भारत में कहीं पर भी मान्य नहीं होंगे, सच्चाई बता रहा हूँ। आप इग्नो से कोर्स कर सकते हो, NIOS से कोर्स कर सकते हो, और जो भी आपका बोर्ड है जिसको पावर है ये कोर्स करवाने की वहां से आप कोर्स कर सकते हो या यूनिवर्सिटी से, लेकिन आप क्या करते हो, आप करते हो प्राइवेट सेंटर से, वो आपको सिर्फ वहां पे क्या सर्टिफिकेट क्या देता आपको सच्चाई पता नहीं होती, नहीं वो आपको बताता है, कोई सेंटर वाला आपको डिप्लोमा दे भी देता है बैक डेट में दे देता है, हाँ वो ओरिजिनल होता है ऐसी बात नहीं, ओरिजिनल होता है रिकॉर्ड होता है सब कुछ होता है, लेकिन आप जब उनसे एक बात पूछिए कि ये बताइए कि हमें ये पंजाब NTT भर्ती में चल जाएगा या नहीं, लेकिन इसका जवाब आपको संतोषजनक नहीं मिलेगा। मैं भी यही कहता हूं, ये जो कोर्स होते हैं प्राइवेट सेंटर से कोर्स करते हैं, ये आपको एक बताते हैं कि इसके अंदर बंदे के अंदर इतनी गुणवत्ता है कि NTT टीचर का ये काम कर सकता है, लेकिन हम एक बात का दावा करते हैं हमारा जो डिप्लोमा है वो किसी प्राइवेट सरकारी नौकरी में हम कोई गारंटी नहीं देते हैं, यानी कि वो उसने बात साफ कर दी कि वो चल सकता है नहीं चल सकता है, आप किसी भी वेबसाइट को उठा के देख सकते हो, हर वेबसाइट पे आपको ये बात लिखी मिल जाएगी, ठीक है, यानी कि छोटा लेवल होता है आपको सिर्फ ये बताता है कि बंदे में इतने गुण हैं कि ये NTT काम कर सकता है, लेकिन बात यहां पर आ जाती सरकारी नौकरी में वो मान्य होता है या नहीं होता है। तो पीछे आपको बता दूं राजस्थान के अंदर भर्ती आई थी 1000+310 पदों, इनके 1310 पदों पे भर्ती आई थी, और जहां पे ये भी मसला चला कि बाहरी राज्यों के डिप्लोमा क्यों नहीं चल रहे, यानी कि डिप्लोमा फेक है, ये वो मान्य करता है बोर्ड नहीं करता, उसमें साफ साफ लिखा गया था राजस्थान के अंदर कि आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से अप्रूव, और यही बात यहाँ पे आ जाती है पंजाब में, जब आप फार्म भर रहे होते हो तो आपके एक ऑप्शन आता है यूनिवर्सिटी से है बोर्ड से है, आप खुद देख लीजिए, मैंने फार्म भर के नहीं देखा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, और पंजाब का कोई नोटिफिकेशन है पंजाब के अंदर जो NTT का जो NTT की भर्ती में कौन कौन से डिप्लोमाज मान्य है, वो नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं है, बहुत पुराना नोटिफिकेशन, अगर आपको पंजाब में किसी को मिल जाए तो मेरे पास भी टेलीग्राम कर देना, और आप भी इसमें पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा गया कि इनको मान्य करते हैं ओनली, तो यानी कि सीधा संबंध है आपका किसी बोर्ड से या UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से आपका कोर्स होना चाहिए तभी वो मान्य है, अन्यथा आप इतने पैसे जो लगा रहे हो कोई 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 बिल्कुल गलत है, चाहे भले ही कोई भी सेंटर वाला मेरी वीडियो देख रहा हो उसके चाहे मत्थे पे बात लग रही हो मेरी, लेकिन मैं कहूँगा आप किसी को कोई कोर्स करवाते हो तो उसको सच्चाई बताएं कि हम इस चीज़ की गारंटी नहीं देते हैं कि हमारा कहीं चलेगा या नहीं चलेगा। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती आती है जहाँ पर भी वो आपका चलता है वो मैं लिख कर देता हूँ किसी भी सेंटर से प्राइवेट वो चलेगा आपका, मुझे इतना पता है, लेकिन जो रेगुलर भर्ती आती है वहाँ पर आपको दिक्कत आ जाती है, इसलिए आपको बता दूँ जैसे मैं कहाँ से कोर्स करना चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं इग्नो से कोर्स करूँ और मैं NIOS से करूँ, मेरा प्लान था भी इग्नो से करने का, लेकिन जस्ट मैंने प्लान बदला है, मैं कोर्स करने जा रहा हूँ NIOS से घर बैठे, उसमें इजी है थोड़ा आसान रहेगा अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो आप भी कर सकते हैं NIOS से जो नेशनल बोर्ड है पूरे भारत का, और यहाँ पर बात करते हैं पंजाब में सिर्फ
तो डिप्लोमे यहाँ पर यही मान्य होते हैं। हालांकि जो बोर्ड होता है विभिन्न सेंटरों को जो दे देता है, कॉलेज को मान्यता दे देता है, लेकिन वो गवर्नमेंट है या नहीं है वो बोर्ड, वो देखिए आप सोसाइटी की तरफ मत जाइए। सेंटर क्या होते हैं कि सोसाइटी होती है, रजिस्टर्ड होता है, आईए जो भी ISO रजिस्टर्ड होते हैं, ये आपको चीज तो ओरिजिनल मिलती है इनकी, लेकिन वो लेवल देखा जाता है कि ये वहां पर मान्य होता है या नहीं होता है। बस इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूंगा। अब सभी साथी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपने किस सेंटर से, किस कॉलेज से, किस बोर्ड से, किस यूनिवर्सिटी से NTT का कोर्स किया है। कमेंट बॉक्स में नाम डालिए ताकि मैं चेक कर सकूं कितने बंदों ने कहां से कोर्स किया है और आपकी क्या फीस लगी है, ये भी कमेंट बॉक्स में डालिए। ये पूरे भारत के लिए काम की वीडियो है, पंजाब की नहीं, हिमाचल की नहीं, राजस्थान की नहीं, पूरे भारत वर्ष के अंदर यही डिप्लोमा मान्य होते हैं। चाहे तुम जोर लगा लेना, इनसे एक्स्ट्रा डिप्लोमा मान्य हो गए तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा NTT की तुम्हारे लिए, ठीक है? और वीडियो को लाइक कर दो इसी बात पे और शेयर कर दो, कमेंट में लिखो जवाब।